सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है, बट कुछ काफी पेरेंट्स को नहीं पता कि सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है एंड प्लस उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ हैं यहाँ पे एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेंसरी इंटीग्रेशन. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू इज व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरी इंटीग्रेशन. क्या है सेंसरी इंटीग्रेशन? सो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसरी सिस्टम्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं. जैसे आपकी आईज विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी ईयर सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सिमिलरली सबको पता है कि 5 सेंसेस हमारी बॉडी में होते हैं, बट हमारे कुछ और सेंसेस भी हैं जिनको हम इंटरनल सेंसेस बोलते हैं. वो हमें बताते हैं कि क्या आप सीधे बैठे हैं या टेढ़े बैठे हैं, क्या आप ज़्यादा मूव कर रहे हैं या आप स्लो हैं, या आपकी पोजिशन ओवरऑल क्लासरूम में क्या होनी चाहिए और क्या है. इन सारे सेंसरी सिस्टम्स को मिला के आप सारी फंक्शनिंग, डे टू डे फंक्शनिंग करते हैं. सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये सारे सेंसरी सिस्टम्स एक साथ एक दूसरे के साथ मिलके काम करने चाहिए. सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब है कि अगर ये सेंसरी सिस्टम्स एक साथ काम करें तो ही आप एक लर्निंग वाइज या न्यू स्किल्स डेवलपमेंट वाइज या चाइल्ड डेवलपमेंट वाइज अपने पाथ पर आगे चल पाते हैं. अगर ये सेंसरी सिस्टम्स एक साथ काम ना करें, अलग अलग काम करें, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. जो डाइट का जो मीनिंग है, जो हम सिंपल मीनिंग जानते हैं कि डाइट का मतलब है हमारी जो रोज रोज की जो फूड है, जो इंटेक है, वो एक डाइट है. सेंसरी डाइट में भी हम ये बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी प्रोग्राम, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ चाइल्ड को अगर दी जा सके जो उनके न्यूट्रिशन जो फूड से मिलता है, यहाँ सेंसरी से उनको न्यूट्रिशन मिलेगा ब्रेन को. सो सेंसरी डाइट इज मेंट फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द ब्रेन. इफ द ब्रेन गेट्स द न्यूट्रिशन, द ब्रेन विल वर्क वेरी वेल. द ब्रेन विल फंक्शन इन अ वे वेयर इट विल बी हेल्पफुल फॉर द चाइल्ड टू रीच द पोटेंशियल दैट द चाइल्ड इज केपेबल ऑफ. सो सेंसरी डाइट इज अ सेट, इज अ प्लान, इज अ प्रोग्राम गिवन डिजाइन टू द चाइल्ड. पेरेंट्स को भी उसमें ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली इंटेंशन ये है कि ब्रेन को कुछ ऐसा एक्टिविटीज से स्टिमुलेशन मिले जिससे ब्रेन की डेवलपमेंट हो सके. My next question is that how sensory integration help in normal as well as children with special needs? सो सेंसरी जो सिस्टम्स हैं हमारे, ये एक फाउंडेशन होते हैं किसी भी हायर लेवल स्किल्स के लिए. जो जीन एयर्स, जिन्होंने सेंसरी इंटीग्रेशन थ्योरी डेवलप करी थी, शी हाइपोथेसाइज एट दैट टाइम कि जो हमारी विजन, हियरिंग, स्पीच, ये जो सिस्टम्स हैं, ये तब तक अच्छे नहीं हो सकते, चाहे वो रेगुलर चाइल्ड हो चाहे वो स्पेशल नीड्स बच्चे हो, जब तक हमारे सेंसरी सिस्टम्स, विजन, हियरिंग के पहले हमारे बॉडीली सिस्टम्स, हमारे मसल्स, हमारे जॉइंट्स की जो सेंसेशंस हैं, अगर ये नॉर्मल नहीं है या एक साथ काम नहीं कर रहे हैं जैसे इंटीग्रेशन में करने चाहिए, तो आपकी जो बाकी एबिलिटीज़ हैं विजन, हियरिंग, स्पीच को लेकर, वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी. मीनिंग देयर बाय कि अगर मैं किसी भी चाइल्ड को, चाहे वो रेगुलर चाइल्ड हो चाहे वो स्पेशल नीड चाइल्ड हो, अगर मैं उनके सेंसरी सिस्टम्स या इंटरनल सेंसरी सिस्टम्स के ऊपर उनको हेल्दी ना बनाऊं, तब तक मुझे और ऊपर सेंसरी सिस्टम्स में भी प्रॉब्लम्स आएंगी. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सेंसरी इंटीग्रेशन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. सो सेंसरी सिस्टम्स जो होते हैं वो दो प्राइमरी फंक्शन करते हैं. वन इज प्रोटेक्शन. अगर कोई चीज़ गर्म या ठंडी है तो आपका टच सेंस आपको बताता है कि ये गर्म या ठंडा है और आपको वो छूना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे. सिमिलरली जो आपकी हियरिंग है वो आपको ज़्यादा साउंड, कम साउंड बताती है, जो आपकी विजन है वो आपको बताती है. सारे सेंसरी सिस्टम्स आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपको या तो आपकी खुद की इंजरी से बचाते हैं या फिर आपको हेल्प करते हैं डिस्क्रिमिनेट करने में ये रफ है या स्मूथ है. ये चीज़ आपको सेंसरी सिस्टम बताता है. ये जो सिचुएशन है साउंड वाली, ये साउंड वाली सिचुएशन मेरे लिए ठीक है, टॉलरेबल है, या मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, ये भी आपको सेंसरी सिस्टम बताता है. सिमिलरली आपका जो बॉडीली सेंस है वो आपको बताता है, अगर मैं क्लासरूम में बैठा हूँ तो मुझे कामिंग फीलिंग, कामिंग स्टेट ऑफ माइंड मेरा होना चाहिए, ये सेंसरी सिस्टम आपको बताते हैं, तभी आप वो काम रह पाते हो. वर्सेस अगर आप क्लासरूम में नहीं है, अगर आप प्लेग्राउंड में हैं, तो यही सेंसरी सिस्टम आपको बोलते हैं अब आपको मूव करना है, अब आपको ज़्यादा मूव करना है. सो इन दैट वेज अगर हम रेगुलर बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके भी सेंसरी सिस्टम्स को
कोशिश की जा सकती है कि एज ए पार्ट ऑफ द करिकुलम, एज ए पार्ट ऑफ द प्री प्राइमरी प्रोग्राम, प्राइमरी प्रोग्राम, हम ऐसे प्रोग्राम्स दे सकते हैं कि उनके सेंसरी सिस्टम्स और डेवलप हों, उनको कहीं ना कहीं टच वाली, यू नो, फीलिंग्स वाली एक्टिविटीज़ दी जाए, उनको ऐसी चीज़ें दी जाएँ जहाँ सेंसरी सिस्टम्स को एक और इनपुट मिले, स्टिमुलेशन मिले, और सेंसरी सिस्टम्स इतने अच्छे से डेवलप हों कि उनकी आगे की जो बाकी हायर लेवल एबिलिटीज़ हैं, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, वो और इम्प्रूव हो सके। So, कुछ बच्चों में सेंसरी सिस्टम्स, जैसे हमने कहा था कि इंटीग्रेशन में एक साथ काम करने चाहिए, अगर वो काम ठीक से ना करे तो उसे हम बोलते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टी है या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर अगर किसी चाइल्ड को है तो उसे कुछ डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल, वन इज चाइल्ड माइट गेट मोर सेंसिटिव टू सम सर्टेन स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये वाले क्लोथ्स नहीं पहनने हैं। जब तक ये चीज एक एवरेजनेस में है तब तक ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा चाइल्ड हो जो विंटर में भी कुछ भी क्लोथ्स डालना नहीं चाहता है, इसका मतलब उसका जो टच का सेंसरी सिस्टम है वो इतना ज़्यादा एक्टिव है कि वो उसको रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, वो उसे ये बता ही नहीं पा रहा है कि क्लोथ्स पहनना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली दैट कैन हैपन इन एनी सेंसरी सिस्टम। आपके साउंड सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि आप बार बार एक साउंड को सुनना चाह रहे हैं और साउंड को सुनने के लिए आप बार बार खुद ही साउंड क्रिएट करेंगे। आप टैप, टेबल के ऊपर टैप करेंगे, आप जो है पेंसिल को कुछ करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो बाकी लोग ये समझेंगे कि ये या तो सोशली ऑड है, या वो ये समझेंगे कि आप अटेंशन जो क्लासरूम में देना है उसको देने के बजाय कुछ और चीज़ों में एक्टिव हो रहे हैं। एक्चुअली उस बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से ये बिहेवियर्स दिखते हैं। हैंस दैट इज़ वाई जब भी हमें बिहेवियर्स दिखते हैं किसी बच्चे में, हमें सीधे ये जंप नहीं करना चाहिए कि चाइल्ड ने कहीं कुछ गलत सीख लिया है, कुछ उसको उसके अंदर, शायद उसके अंदर एक स्टबननेस है, उसके अंदर एक बदमाशी है जो वो हमारे बात को फॉलो नहीं करना चाह रहा है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके सेंसरी सिस्टम्स उसको रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं और उससे ये करवा रहे हैं। ऑटिज्म में ज़्यादातर बच्चों को एक डिफ़िकल्टी, जो कोर डिफ़िकल्टी हम बोलते हैं, वो है कम्युनिकेशन। बट उसके साथ साथ एक और डिफ़िकल्टी आती है, हम यूजुअली बोलते हैं कि वो जस्ट राइट स्टेट में नहीं है। मतलब वो जो सिचुएशन उनसे डिमांड कर रही है, अटेंशन, फोकसिंग, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, सुनना, समझना, वो समहाउ इंटेलिजेंस नॉर्मल होने के बावजूद भी वो स्टेट में नहीं है कि वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें और रिसीव कर सकें। And that is why sometimes parents या professional भी कई बार ये मानते हैं कि they are very bright, cognitively बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो performance है वो बाकी बच्चों की comparison में, उनकी जो behaviors हैं वो बाकी बच्चों की comparison में उस line में, उस sync में नहीं दिखते हैं। Sensory integration issues की वजह से वो, उनका brain कुछ different way में काम करता है, उनका ब्रेन हमारी तरह काम नहीं कर रहा है, वो ये समझ नहीं पा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के बजाय बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे ऑटिज्म वाले कार को चलाने के बजाय कार को उल्टा करके उसकी व्हील को गोल गोल घुमा रहे होते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात पे ध्यान है कि जो गोल घूमने से जो मुझे विजन मिलेगा, जो मुझे एक स्टिमुलेशन मिलेगा, मैं पूरा फोकस, टाइम, एनर्जी, इंटरेस्ट सारा वहाँ लगा रहा हूँ, जबकि ये सिर्फ एक सेंसरी सिस्टम से कनेक्टेड है, वो है विजन। हम चाहते हैं कि बच्चे अगर सीखें तो वो कार को ऊपर नीचे करना भी सीखें, चलाना भी सीखें, और एक दूसरे चाइल्ड के साथ खेलना भी सीखें। सेंसरी इंटीग्रेशन इश्यूज उनको उसमें लिमिटेड कर रहा है। अगर हम उनके सेंसरी इंटीग्रेशन इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लें और उसको ट्रीट करें तो मे बी हम उनकी सोचने का दायरा इतना बड़ा कर पाएंगे कि उनकी जो फिजिकल कॉग्निटिव इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, जो कि ऑलरेडी है कहीं इंटरनली, बट हमारी नज़र में वो एक्सप्रेस नहीं हो रही। Yes, it is possible. Sensory processing difficulties can happen in any child. It can also happen individually. Means you will not have any other diagnosis. आपको कोई और diagnosis नहीं है, कोई और problem नहीं है। कई बार ये parents के लिए accept करना मुश्किल हो जाता है कि otherwise मेरा child जो ठीक से उठ बैठ रहा है, you know, बात कर रहा है, उसको क्या sensory issues हो सकते हैं। पर ये ट्रू है कि सेंसरी इश्यूज किसी को भी हो सकते हैं। इनफैक्ट सेंसरी हम सब में प्रेजेंट है। अगर आप क्लास में बैठ कर के पैर हिलाते हैं तो वो सेंसरी की वजह से हिलाते हैं, अगर आप याद करते समय थोड़ा हिलते हैं तो वो भी सेंसरी की वजह से है, लेकिन सेंसरी इश्यूज
नॉर्मल चाइल्ड में आपको तब भी दिखते हैं जब ये वाले इश्यूज या तो ये सेंसरी सिस्टम्स पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुए हैं, वो अभी भी ड्यूरिंग द फेज ऑफ डेवलपमेंट चल रहे हैं, उनमें कुछ लैग है। हर बच्चा एक पर्टिकुलर एज पर ही सारी चीजें नहीं सीख पाता है। सेंसरी सिस्टम्स अगर प्रोसेस में है डेवलपमेंट के, उस प्रोसेस में आपको ये दिखेगा कि कोई बच्चा जरूरत से ज्यादा चीजों को माउथ में डाल रहा है, जो कि हमें हर बच्चे में दिखता है, बट एक पर्टिकुलर एज पर दिखता है, उसके बाद चला जाता है। अगर ये सेंसरी सिस्टम्स ठीक से डेवलप ना हो तो प्रॉब्ली आपको ये चीज आगे भी दिखेगी। सिमिलरली यू नो हाइपर एक्टिविटी, ज्यादा इधर उधर जाना, जिसे हम कॉमन भाषा में चंचलता बोल देते हैं। चंचलता का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पेरेंट्स ने ठीक से उनको नहीं सिखाया है या टीचर्स स्ट्रिक्ट नहीं है, उसका मतलब ये भी होता है कि मेरा ब्रेन एक डिफरेंट सेंसरी वे में काम कर रहा है और वो मुझे मूवमेंट लेने के लिए आगे लेके जा रहा है, अर्ज कर रहा है और मैं उसके साथ चल रहा हूँ। तो इसमें कुछ भी डायग्नोसिस या नेगेटिव की बात नहीं है, सेंसरी इश्यूज सबको हो सकते हैं। एक कैटेगरी ऑफ सेंसरी इश्यूज ये है कि चाइल्ड ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव मतलब मुझे कोई साउंड कहीं कुछ एनवायरनमेंट में नहीं है, फिर भी मैं अपने कान बंद कर रहा हूँ। मैं फूड या नॉन फूड, चाहे पेन हो चाहे बुक हो, उसको अननेसेसरली स्मेल कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे अच्छी लग रही है, मैं उसे बार बार टच कर रहा हूँ, तो मैं सेंसिटिव हूँ चीज़ों को लेकर के। कुछ ऐसे कपड़े हैं जिनको मैं बिल्कुल पहनना नहीं चाह रहा हूँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सेंसिटिव हो गया हूँ। तो सेंसरी इश्यूज आपको सेंसिटिव बना सकते हैं। एक कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स ये वाली होती है। एक और कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स होती है जिसे हम रिपीटेटिव बिहेवियर्स बोलते हैं। चाइल्ड कैन डू सर्टेन बिहेवियर्स, फिजिकल वाले एक्शंस बार बार करते हैं, जैसे वो हैंड हिलाते हैं, सर को हिला सकते हैं, वो पैर को हिला सकते हैं, वो बार बार जंपिंग कर सकते हैं, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अदरवाइज आपको लगेगा कि ये बाकी बच्चे इस एज के प्ले नहीं करते हैं इस तरीके से, लेकिन ये मेरा चाइल्ड जो है उस तरह से प्ले कर रहा है। हेड के ऊपर खड़ा हो जा रहा है, एक ही ढंग से बॉल को खेल रहा है। तो सेंसरी इश्यूज का दूसरा कैटेगरी होता है कि आपकी प्ले स्किल्स और फिजिकल स्किल्स में कुछ डिफरेंस दिखता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो रिपीटेटिव हो रही है रादर देन मीनिंगफुल। थर्ड कैटेगरी ऑफ सेंसरी इश्यूज है जो बहुत बार रेगुलर बच्चों में भी दिखेगा कि उनकी जो एज लेवल स्किल्स होनी चाहिए, चाहे वो ग्रॉस मोटर हो, फिजिकल स्किल्स, बॉल कैच करना, बॉल थ्रो करना, जंपिंग करना, वो कहीं ना कहीं एज के लेवल तक नहीं आता है, इसके बावजूद भी कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, मसल्स सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो स्किल्स नहीं दिखा पा रहे हैं जो स्किल्स बाकी बच्चे दिखा पा रहे हैं। फाइन मोटर स्किल्स, हैंड राइटिंग स्किल्स, बहुत बार सेंसरी इश्यूज बच्चों में अफेक्टेड मिलती हैं, बिकॉज उनको जो सेंसेशन आना चाहिए हाथों में, पेंसिल से, इरेजर से, शार्पनर से, पेपर से, वो उनके अंदर वो सेंसेशन कहीं कम या ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो ये समझ नहीं पाते हैं कि अगर सर्कल बनाना है तो कैसे बनेगा। टीचर्स और पेरेंट्स बार बार उनमें एफर्ट डालते हैं, बहुत बार कोशिश करते हैं कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के भी करा पाएं, लेकिन समहाउ उनको ये लगता है कि ये इतना डिफिकल्ट है कि वो अल्टीमेटली बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। सेंसरी इश्यूज जैसा मैंने बताया था कि नॉर्मल, रेगुलर और बाकी बच्चों में, ऑटिज्म बच्चों में मिलता है। सिमिलरली सेंसरी इश्यूज क्योंकि एक फाउंडेशनल स्किल्स है, अटेंशन, लर्निंग, इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज आप सेंसरी सिस्टम जो वर्क करते हैं तो इनके ऊपर भी आप एक अचीव करते हैं डेवलपमेंट को। किसी भी डिसेबिलिटी में, किसी भी पॉपुलेशन में सेंसरी इश्यूज को आप असेस कर सकते हैं, या असेस ना करें तो भी एक प्रोग्राम के जैसे उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट को और फोस्टर करने के लिए ये प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है। बहुत सारे चिल्ड्रन जिनको ऑटिज्म नहीं है बट अदर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं, मे बी डेफनेस है, मे बी यू नो विजन इश्यूज़ है, या अदरवाइज फिजिकल डिफिकल्टी है प्राइमरीली, उनको भी सेंसरी इश्यूज़ उनके साथ, उनकी जो प्राइमरी डिफिकल्टी है उसके साथ साथ वो भी मिलता है, हमेशा कॉमनली देखा जाता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास फाइव सेंसेस हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन में कुछ और सेंसेस भी आते हैं? हमारे सेंसरी इंटीग्रेशन थ्योरी में पांच जो बेसिक सेंसेस हैं, टच, हियरिंग, विजन, स्मेल, लिसनिंग, उसके अलावा दो और सेंसरी सिस्टम्स को इम्पोर्टेंस दी गई है। एक सेंसरी सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि वो आपको आपकी बॉडी की पोजिशनिंग क्या है, आपका हैंड्स ट्विस्टेड है या स्ट्रेट है, वो आपकी पोजिशनिंग को बताता है।
ये सेंसरी सिस्टम का रोल है कि अगर आपको एक पेंसिल पकड़नी है और अगर आपको एक हैमर हथौड़ा पकड़ना है तो दोनों में क्या आपकी ग्रिप में डिफरेंस आएगा, दोनों में फोर्स में क्या डिफरेंस आएगा, दोनों के यूसेज में कैसे डिफरेंस आएगा, ये चीज आपको एक इंटरनल सेंस के थ्रू बताता है वो सेंसरी सिस्टम। एक और सेंसरी सिस्टम है जो आपको बताता है हाइट्स के बारे में, स्पीड के बारे में, आपकी खुद की बॉडी की स्पीड के बारे में और आपके मसल टोन के बारे में, आपकी पोस्चर के बारे में। ये जो दूसरा सेंसरी सिस्टम है ये वो वाला सेंसरी सिस्टम है जो अगर अफेक्टेड हो तो बच्चों को बहुत बार हाइट से डर लगेगा, उनको डिफ़िकल्टी होगी साइकिलिंग वगैरह सीखने में, उनको डिफ़िकल्टी होता है अगर वो किसी ऐसी सरफेस पे चल रहे हों जो थोड़ा शेकी है, जो थोड़ा स्टेबल नहीं है, तो वो उस पर जाने पर बिल्कुल अवॉइड करते हैं, या अगर जाते हैं तो उनकी जो बिहेवियरल सिचुएशन हमें दिखती है वो बहुत एप्रिहेंसिव वाली, बहुत फियर वाली दिखती है। ये जो सेंसरी सिस्टम है जिसको वेस्टिबुलर सिस्टम बोलते हैं, ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है अटेंशन डेवलप करने के लिए। आईज के साथ, विजन के साथ मिलके ये सेंसरी सिस्टम आपकी, पहले तो आपकी खुद की बॉडी की पोजीशनिंग क्या है उसके बारे में आपको हेल्प करेगा, आपको ये बताएगा कि आप तेज दौड़ रहे हैं कि आप एक जगह रुके हुए हैं, विच मीन्स इसका जो कनेक्शन होगा वो हाइपर एक्टिविटी जो बिहेवियर दिखता है बच्चों में उसमें भी आपको रोल प्ले करता है। The most important question जो parents के मन में always रहता है कि OT and sensory integration किस age तक कराना चाहिए, कैसे उसका है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशन है और ये थ्रू आउट द लाइफ हेल्प कर सकता है। ऑफ कोर्स एक ट्रेन्ड और एक्सपर्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, एज अप्रोप्रिएट, सिचुएशन अप्रोप्रिएट, स्टेज अप्रोप्रिएट, चाइल्ड का जो लेवल है कम्युनिकेशन का, इंटेलिजेंस का, फिजिकल स्किल्स का, उसको ध्यान में रखकर ही ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को अपने गोल बनाने पड़ते हैं। तो एक ऐसा चाइल्ड जो एडोलेसेंस में आया है या एडल्ट्स में हमारे पास आया हुआ है, अगर हमें उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सेंसरी वाली दिख रही हैं जो या तो रिपीटेटिव बिहेवियर के रूप फॉर्म में है या कुछ ऐसे फॉर्म में है जहां वो फिजिकल स्किल्स ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करेगा उस चाइल्ड को या तो सेल्फ रेगुलेशन सिखाने में हेल्प करेगा कि अगर मुझे खुद ही अपनी चीज़ें कंट्रोल करनी हो जो मुझे नहीं करनी चाहिए, वर्सेस छोटे बच्चों में हम कोशिश करते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन किसी और की हेल्प से आएगा, मदर हेल्प करेगी उसको काम डाउन होने में, थेरेपिस्ट हेल्प करेगा काम डाउन होने में। एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स में ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का सेंसरी इश्यूज में ये रोल होता है कि हम उस इंडिविजुअल को ही कैसे एम्पावर करें, कैसे उसको एक केपेबल बनाएं कि वो खुद अपने सेंसरी इश्यूज को कंट्रोल कर सके। लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू इज अर्लीस्ट साइन ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर व्हिच पेरेंट्स शुड नो। पेरेंट्स शुड नो कि अगर उन्हें कोई ऐसा बिहेवियर चाइल्ड में दिख रहा है जो एक छोटी उस एज में यूजुअली नहीं दिखता है, से फॉर एग्जांपल चाइल्ड की चंचलता इतनी ज़्यादा है कि उसके साथ बैठ करके उससे कम्युनिकेट करना, उसको कुछ भी लर्निंग कराना, उसके साथ सिटिंग बिहेवियर में कुछ भी अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सेंसरी सिस्टम है जो उनको इस तरह के बिहेवियर की तरफ लेके जा रहा है। दूसरा कैटेगरी होता है सेंसिटिविटी, कहीं भी कोई ऐसा बिहेवियर दिखता है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं खुद को, मैं चाइल्ड को कपड़े चेंज करा रहा हूँ और चाइल्ड इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, हिटिंग कर रहा है, बिहेवियर दिखा रहा है जहाँ हमें लग रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रिगर क्या है और बिहेवियर क्या है, तो हमेशा सेंसरी के बारे में सोचना चाहिए कि कहीं कुछ मैच नहीं करता है। थर्ड, अगेन कुछ ऐसा ऑड बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर, सोशली यू नो प्रॉब्लम अगर कहीं दिखता है छोटे बच्चों में डेवलपमेंटल ईयर्स में, तो उसका प्राइमरी सोर्स सेंसरी की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन एज में 0 to 5 years इन और इवन मोर ब्रॉडर सेंस में अगर हम लेके देखें तो ज़्यादातर बिहेवियर प्रॉब्लम्स सेंसरी से निकल के आती हैं रादर देन बिहेवियर प्रॉब्लम पहले नहीं होती है, पहले सेंसरी इश्यूज कहीं हैं, सिस्टम्स कहीं अफेक्टेड हैं, तभी वो सेंसरी इश्यूज बन रहे, बिहेवियर इश्यूज बन रहे हैं। फिजिकल स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, अगेन अगर कहीं भी डिलेड दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये एज लेवल पर नहीं फिजिकल स्किल्स डेवलप हो पा रही है लेकिन चाइल्ड फिजिकली ठीक है, तब भी हमें पहले सेंसरी इश्यूज के बारे में थिंकिंग करना चाहिए। कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत कॉमनली सेंसरी इश्यूज में बहुत जल्दी दिखाई दे जाती हैं, अगर कोई चाइल्ड अपने पेरेंट की हग्स को, अफेक्शन को, नॉर्मल से टच को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, रेजिस्ट कर रहा है,
टेंट्रम कर रहा है या फाइट करता है, लड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें सेंसरी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि और कोई वजह नहीं है कि चाइल्ड हमारे अफेक्शन को, उस फिजिकल टच को, कॉन्टैक्ट को कहीं एक्सेप्ट न कर पाए, और कोई वजह नहीं होती है। तो जब भी हमें ऐसा चीज मिले जो हमें हमारे लिए खुद के लिए डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना, हमें सेंसरी के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर सम व्यूज अबाउट आवर YouTube चैनल हेल्पर्स स्पेशल चिल्ड्रन। एक YouTube चैनल है जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डेवलप किया गया है, वर्क कर रहा है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, खासकर इंडिया में जहां मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत कम है। राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ डायग्नोजिंग अ चाइल्ड, बहुत सारे जगह पर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स हों या साइकाइट्रिस्ट हों, साइकोलॉजिस्ट हों, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हों, ये अवेलेबल ही नहीं है। पेरेंट्स को, उन पेरेंट्स को जहाँ क्वेश्चंस हैं अपने चाइल्ड के डेवलपमेंट के बारे में, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, कई बार ये जवाब ही नहीं मिल पाता होगा क्योंकि उनके पास कई बार सही प्रश्न भी नहीं है। टेक्नोलॉजी उनको एटलीस्ट सही क्वेश्चंस देगी जिसको वो फिर प्रोफेशनल्स को पूछ पाएंगे, या एटलीस्ट प्रोफेशनल्स को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं। हम कई बार ये भी मान के चलते हैं कि बहुत सारी सिटीज़ ऐसी होंगी जहाँ प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं है, बट मेंटल हेल्थ एक ऐसा टैबू है, वर्ड है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स या साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स एक ऐसा टैबू वर्ड है जहाँ अवेयरनेस ही उसको टैबू को दूर कर सकता है। अदरवाइज हम ये मान के चलते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों को होता है या कुछ ऐसे लोगों को होता है जिन्होंने शायद अपनी लाइफ में अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया है या खुद पर ध्यान नहीं दिया है, बहुत स्ट्रेसफुल रहे हैं, मे बी ऑल दोज थिंग्स, बट मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो ये आगे फ्यूचर में हर घर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हमें डील करने की जरूरत हो, चाहे वो हमारी खुद की स्ट्रेसफुल लाइफ हो, चाहे चाइल्ड का डेवलपमेंट हो, और चाहे हमारे ओल्ड एज वाले पेरेंट्स की से रिलेटेड कुछ साइकोलॉजी रिलेटेड इशूज़ हो। टेक्नोलॉजी विल हेल्प professionals and parents to connect beyond the distance. मैं दिल्ली में हूँ लेकिन जो पेरेंट कहीं और कहीं दूर दराज में होगा वो कहीं ना कहीं मेरे से जुड़ पाएगा, उस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाएगा, उन सर्विसेज से जुड़ पाएगा जहाँ उसको उसकी ज़रूरत है। अगर हम कुछ बच्चों को और बहुत सारे बच्चों को उनकी लाइफ को टाइम रहते हुए टेक्नोलॉजी की वजह से इनपुट दे पाए तो उससे और बेटर प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो सकता। Thank you so much for sharing some beautiful